सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। हियर इज रॉबिन योर ब्रदर। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, और इवनिंग से हो रहा है क्योंकि कई लोग चाह रहे थे कि मैं अपने गाँव को एक्सप्लोर करूँ कि कितनी खूबसूरती यहाँ की है उसे मैं बताऊँ। और कई लोगों को यहाँ मतलब बहुत अच्छा लगा मेरी कुछ फोटोज से, और वो कह रहे थे कि बुलाना। तो मैंने आज इवनिंग से शुरू करा, तो मैंने सोचा कि सनसेट से शुरू करते हैं और सनराइज तक जाएंगे और अलग अलग प्लेसों को विजिट करेंगे, ठीक है। तो आपको पीछे अच्छा सा नज़ारा दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ हूँ और ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ, और विंड नॉइज़ आएगी क्योंकि वो तो आएगी, क्योंकि मतलब हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और गाँव की हवा बहुत फ्रेश होती है। बहुत मज़ा सा आ रहा है, फील सा हो रहा है, अकेले आया हूँ और लग रहा है कि मतलब मज़ा सा आ रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये नज़ारा जो आपको दिख रहा है वो हमारे घर से, और अब चलते हैं रास्ते की ओर। तो अब हम गांव के बीच वाले रास्ते में आ चुके हैं, और आपको धीरे धीरे चक्की की साउंड सुनाई दे रहा होगा जो मेरे लेफ्ट साइड में है। और बीच का रास्ता है, तो शाम का टाइम है, तो कोई दिख भी नहीं रहा है ज़्यादा, मतलब 3 या 4 बज रहे होंगे। तो आगे ये आपको माँ भलका देवी का मंदिर है, तो इस मंदिर का गेट पर आपको मिल जाता हूँ। अभी दीवारी दिख रही होगी आपको, बहुत ही अच्छा ये गेट बना हुआ है, बहुत ही अच्छे मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हैं, और मतलब आप माँ मलका देवी का मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, अब मतलब ये हमारा स्कूल का प्राइमरी स्कूल का गेट है, तो 1 से लेके हमने 5वीं तक यहीं पढ़ा, और जो नीचे आपके जो दो रास्ते थे वो मतलब इंटर कॉलेज का रास्ता है, और ये हमारा प्राइमरी स्कूल। अब तो ये बहुत बदल चुका है, पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये टीन का था, तो अब मतलब बहुत से बदलाव इसमें आ चुके हैं, और आप ये देख ही रहे होंगे, मतलब थोड़ा सा नया सा लग रहा है। तो अब आगे पे आप देखिए कि हम एक आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे है, पहले ये यहाँ पे नहीं था, थोड़ा आगे पे था जहाँ पे आपको पेड़ दिख रहा होगा। तो हमने बचपन से यहीं पढ़ा, तो आप स्कूल देख सकते हैं कुजा मेकुट, और अब मतलब हम नीचे वाले स्कूल में चलते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, नीचे के लिए भी कुछ बिल्डिंगें हैं, ऊपर भी हैं, तो ये रास्ता है, और धीरे धीरे चलते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है शाम को। और आपको गाय दिख रही होंगी आगे, क्योंकि क्या हो चुका है कि मतलब स्कूल तो खुल नहीं रही है और बच्चे तो है नहीं, तो गायों ने आना है, और बहुत ही बिगाड़ रखा है, क्योंकि मैंने तो दरवाज़ा आगे मतलब गेट बंद कर दिया था, फिर भी मुझे लग रहा है कि मतलब शायद कहीं से टूटा हुआ है, तो मतलब तब फिर ये गायें आए हैं, क्योंकि मतलब बच्चे तो है नहीं, तो क्या करें, मतलब जानवर तो यहाँ घुसे पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि आजकल स्कूल की हालत थोड़ी सी हो चुकी है। अब ये जो आपको आगे दिख रहा होगा ये माँ नंदा देवी का मंदिर है, मतलब हम यहाँ से जाएंगे इस रास्ते से नीचे से, तो धीरे धीरे वहाँ चलते हैं। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है, और आप दूर से देख सकते हैं मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। और स्कूल में जो पेड़ लगे हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत अच्छा आता, मज़ा आता था, और बहुत ही यादें आती हैं अभी स्कूल की। और नीचे आपको एक छोटा सा फील्ड दिखेगा, मतलब अभी यहाँ से थोड़ा छोटा सा लग रहा है, पर थोड़ा पास जाने में बड़ा है, और आप देखिए, आपको हल्का सा उसके पास लेके चलते हैं। और ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ नीचे फील्ड है, इसे हम वैसे खलका फील्ड कहते हैं, और ऊपर ही हमारे नंदा देवी का मंदिर है, तो ये रास्ता है, तो ये धीरे धीरे चलते हैं। और आज फील्ड में मतलब कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत टाइम बाद कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मतलब फील्ड पहले बहुत बड़ा था ये, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ये मतलब इसका मतलब इसको रेस्टोरेशन किया गया, इसे बदला गया, तो फिर ये फील्ड मतलब थोड़ा सा लंबा तो है पर छोटा सा हो गया, मतलब क्रिकेट खेलने लायक नहीं रहा। तो आप ऊपर चलते हैं फिर। और यहाँ से भी बहुत अच्छा सा नज़ारा दिखता है हमारे गाँव में। धीमी धीमी हवाओं के बीच मैं ऊपर जा रहा हूँ,
जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं मंदिर तक पहुंच चुका हूं, और ये आप देख रहे होंगे कि ये बहुत पौराणिक मंदिर है, और पत्थरों से ही आप बता सकते हैं कि कितना पौराणिक होगा। और ये माँ नंदा देवी का मंदिर, मतलब यहाँ अठवाड़ होता है, मतलब ये बहुत ही मतलब 18 साल में बहुत लंबे वक्त में होता है, बहुत वक्त से हुआ नहीं है। और आगे तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं वहाँ पवित्र कर लूँ, क्योंकि मैंने स्लीपर्स पहने हैं। हम अपनी फेवरेट प्लेस पर आ चुके हैं, तो जब भी हम गांव में रहते हैं तो मतलब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो जब ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स हम आग जलाते हैं, मतलब जितने भी बंदे रहते हैं, मतलब जितनी हमसे हो पाती है यहाँ, इधर से लकड़ियाँ वगैरह लेके जो भी हो पाते हैं हम यहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं, और मतलब बहुत मज़ा सा आता है, मतलब बहुत से लोग रहते हैं हम, तो ये बहुत अच्छा प्लेस है हमारे लिए, और मतलब बहुत सी यादें जुड़ी हुई है हमारी इससे, और बहुत से मतलब बहुत से लम्हे हमारे पास हैं यहाँ से जुड़े हुए। तो मैं अब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से सब जगह दिखता है। तो आप वहाँ नीचे देख रहे होंगे वाली सड़क जा रही है, वो जा रही है बद्रीनाथ के लिए, ठीक है। और ये नीचे इधर से तो एक गाँव है खांडरा, ये पूरा मतलब इतना खांडरा बैलीधार और इसे कोंच गाँव कहते हैं ये सड़क, तो उधर उस सड़क पे हम घूमने जाते हैं कभी। और ये अपना गांव दिख रहा है आपको, आगे पे वो है वो जिस आपको पता है कि मतलब हमारे गांव का नाम कुजाऊ मैकोट है, तो कुजाऊ वो हुआ जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा गांव दिख रहा होगा। और यहाँ पे से ऊपर गांव मैकोट है, मतलब स्कूल दिख रही होगी, ये मतलब जो ये जितने जंगल है सारी मतलब ये स्कूल में है जी ये जंगल, और इससे ऊपर मतलब हमारा गाँव है वो आपको दिख रहा होगा, तो कुजो और मैकुट, ठीक है। और आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, नीचे यहाँ देखिए आप, वो घिंगराण दिख रहा होगा आपको, घिंगराण तो इसे यहाँ कहते हैं, पर ये पूरा एरिया वही हुआ, मतलब इसमें सब कुछ आते हैं, इसमें मतलब क्या कहते हैं इसे, दीवार हुआ, खांडरा हुआ, घिंगराण हुआ, मतलब ये वो एरिया है। और चमोली मतलब यहाँ नीचे से दिख रहा होगा आपको, इधर से जाते हैं उस वाले रूट से, हाँ। तो ये जो नीचे पे गाँव दिख रहा है आपको उसे डूंगरी कहते हैं, यहाँ से यहाँ भी बहुत लोग रहते हैं मतलब, और यहाँ की सड़क भी यहाँ आगे से निकलती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।